व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बहुत ही खुशखबरी की बात यहां पर ही आती है कि सबको पता है कानपुर में क्या बवाल हुआ। वहां पर बच्चों ने पथराव तक कर दिया सेंटर पे। ये एक छोटा बवाल है, अभी सुन लो, बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूं आप सबके लिए कि सीबीटी में कानपुर में पथराव तक किया गया। तो इसके बाद ये बोला गया कि पेपर क्योंकि लीक हुआ है, उस बात को एक्सक्यूज करने की बात कही गई कि एक्सक्यूज कर देते हैं भैया, हिंदी की जगह इंग्लिश दे दिया था, एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ है। तो वहां पर रीटेस्ट की मांग हुई और सीबीटी एनटीए ने कहा इसको कंसिडर करे जाएगा, बिकॉज क्योंकि पेपर लीक जैसी बड़ी चीज हो गई है। और उससे भी बड़ी खबर अभी कुछ लेटेस्ट कुछ सेंटर्स में ये हुआ है कि चीटिंग बहुत जोरों शोरों से चली है। कुछ बच्चों ने खुली चीटिंग करी है और उनसे पूछे जाने पर उन्होंने बोला अपना जुगाड़ है। यहां पे खुला मुंह पे बोल रहा है बंदा कि अरे अपना चलता है, अपने को नहीं पकड़ेगा, और नहीं पकड़ा गया उस बच्चे को, किसी ने नहीं पकड़ा। जो हम पहले सुनते थे ना कि बिहार में खिड़की से चीटिंग करा दी, यूपी में ये करा दिया, दिल्ली में भी चीटिंग हो गई, वो हो गई, हर स्टेट में चीटिंग के किस्से आते थे, जो कि यूपी वेबसाइट पे ज्यादा आते थे। मैं खुद यूपी से हूं, नो ऑफेंस गाइस, कानपुर यही हूं मैं भी, बट स्टिल ऐसे किस्से आते थे। वो समय रिपीट हो रहा है, चीटिंग के बहुत बवाल किस्से भर रहे हैं। मेघालय गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम सीबीटी से एग्जेम्पशन तक लेने की सोच रहे हैं, मतलब अब मेघालय की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उसमें एडमिशन के लिए वो सीबीटी से बाहर होने की कोशिश करेंगे, 12th के मार्क्स के बेसिस पे कर लेंगे, बट इतना घटिया सिस्टम है सीबीटी का, इसके बेसिस पे नहीं करने देंगे। उन्होंने मांग कर दी कि या तो पूरा रिटेस्ट कराओ, सब कुछ दोबारा करो, या फिर हमें सीबीटी से एग्जेम्पशन चाहिए। और कानपुर में भी रिटेस्ट की बात हो रही है, ऐसे ही आप सबके सेंटर्स पर जहां चीटिंग हुई, आप सब लोग ट्वीट करके बोलिए कि रिटेस्ट की मांग करिए, बिकॉज चीटिंग हुई है, बहुत गलत हुआ है, बहुत बच्चों ने जुगाड़ लगा लिया अपने एरिया में, क्योंकि इंटीमेशन से पहले मिल जाती, एडमिट कार्ड 2 दिन पहले मिला, जाकर वहां जुगाड़ लगा लिया, बिकॉज सीबीटी नहीं है ना, ये कंप्यूटर बेस्ड तो है नहीं, पेपर वाला किस्सा है। सामने सामने चीटिंग कराई, इन्विजिलेटर ने कुछ नहीं बोला, इन्विजिलेटर ने गॉसिप करने में टाइम वेस्ट किया, इतना इलिटरेट बिहेवियर फ्रॉम एन इन्विजिलेटर ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज लाइक अनफॉरगेटेबल, आप इसको भूल नहीं सकते। और इतनी हाई लेवल ऑफ चीटिंग हो रही है, एग्जाम्स में इतनी बड़ी मिस्टेक हो रही है, अब सीयूटी दोबारा होने के बहुत चांसेस बन गए हैं, बिकॉज मेघालय की गवर्नमेंट ने खुद बोल दिया ना, अब तो मानना ही पड़ेगा एजेंसी को, बच्चों की नहीं सुनोगे, गवर्नमेंट की तो सुनोगे ना, गवर्नमेंट की सुनो, और बच्चों ने पथराव कर दिया उनकी तो सुनोगे, किसी की तो सुननी पड़ेगी। आप सभी ट्वीट कीजिए, इस वीडियो को चाहे तो शेयर कीजिए, लेकिन जाइए महाविद्यालय जगदीश कुमार को ट्वीट कीजिए, यूजीसी को ट्वीट कीजिए, एनटीए को ट्वीट कीजिए, जिन बच्चों ने भी चीटिंग होती हुई देखी है, जिन बच्चों ने सारा बवाल आंखों से देखा है, फ्रिस्किंग में नहीं पकड़ा गया, स्मार्ट वॉच जाने दी, टाइम क्लॉक नहीं लगाया था, इन्विजिलेटर ने चीटिंग करने दी, इन्विजिलेटर के सामने बच्चा खुल के बोल रहा है कि अपना तो जुगाड़ है, अपने को नहीं पकड़ेगा, इस तरह की बातें जो जो लोग कर रहे हैं, सब लोग ट्वीट कीजिए, और सीयूटी दोबारा होना ही चाहिए। इस कदर की बेईमानी, वो भी इस लेवल के एग्जाम में, अनफॉरगेटेबल है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि गवर्नमेंट तक इसमें कूद पड़ी है कि अब सीयूटी दोबारा कराने के लिए बात करी है। पहला कदम मेघालय गवर्नमेंट ने उठाया, देखते हैं क्या सारी गवर्नमेंट ये स्टेप उठाती है या नहीं। लेट्स जस्ट रेज आवर वॉइसेस गाइस, सब लोग इंस्टाग्राम वगैरह जहां जहां कुछ भी शेयर कर सकते हो करो, इस वीडियो को शेयर करो, ट्वीट करो, जितना हो सके इस बात को करो कि ये चीटिंग नहीं देखी जाएगी। जिन बच्चों ने ये झेला, जिनके सामने वो मेहनत से पेपर कर रहे हैं और सामने वाला चीटिंग कर रहा है, उसको कुछ नहीं बोल रहा, मत झेलो इस चीज को, आप अपना लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, अपना पूरा साल बर्बाद कर सकते हो। इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाना, मैं खुद भी उठाऊंगा आने वाले 1 या 2 दिन में। कोई भी नया ट्वीट आएगा महाविद्यालय जगदीश कुमार का, यूजीसी का, तो मैं उसमें ट्वीट करूंगा #reexamcheating, बहुत हाई लेवल पर पूरा लिखूंगा, डोंट वरी, आप सब भी करो, हम भी करते हैं, लेट्स जस्ट ट्राई कि एक फेयर मौका सबको मिले, बिकॉज दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट फेयर, ये नहीं चलेगा, दिस इज क्लियरली चीटिंग। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में बेहतरीन खुश अच्छी अपडेट के साथ कि काश सीबीटी मोड का तो टाइम पे आ जाए, कुछ तो अच्छा हो, देखते हैं क्या आता है रिस्पॉन्स एनटीए का, कि क्या वो लोग लेंगे दोबारा या नहीं, मेघालय गवर्नमेंट को क्या जवाब आता है, कानपुर के बच्चों को क्या जवाब आता है, यहां दिल्ली में हो रही चीटिंग के बच्चों को क्या जवाब आएगा, देखते हैं गाइज। ओके गाइज, मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन अपडेट में, ऑल द बेस्ट, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाना, ऐसी बड़ी बड़ी खबरें आपके लिए मैं लाता रहूंगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।